राजस्थान के कोटा से बीजेपी के सांसद ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। इसी के साथ वो दो दशक से ज्यादा समय में इस पद पर दोबारा आसीन होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के रूप में निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। वहीं शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए कोडिकुनील सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा और आरएसपी के नेता एनके प्रेमचंद्रन ने इसका अनुमोदन किया। लोकसभा स्पीकर पद के लिए सरकार और विपक्ष के बीच मंगलवार को आम सहमति नहीं बन सकी थी। इसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार और बीजेपी सांसद ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस के कोडिकुनील सुरेश के साथ था। बिरला और सुरेश ने मंगलवार को एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के उम्मीदवारों के रूप में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में उतरने के लिए विपक्ष ने अंतिम समय में तब फैसला लिया जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इनकी इस पूर्व शर्त को नहीं माना कि राज्य के उम्मीदवार बिरला का समर्थन करने के आवाज में विपक्षी गठबंधन इंडिया को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाना चाहिए। वहीं ओम बिरला के दोबारा स्पीकर चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई देते हुए कहा कि हम सभी का विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभालना अपने आप में ही रिकॉर्ड है। बलराम जाखड़ ही इससे पहले सिर्फ 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। ज्यादातर नेता स्पीकर बनने के बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या फिर जीत कर नहीं आए हैं, लेकिन आप चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि सरकार के पास शक्ति होती है, लेकिन हम भी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जरूरी है कि विपक्ष की आवाज इस सदन में जरूर सुनाई देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप हमें बोलने देंगे। विपक्ष की आवाज को दबाना अलोकतांत्रिक है। बता दें, ओम बिरला का संसदीय अनुभव भले ही लंबा नहीं रहा है, लेकिन वो 2003 से लेकर अब तक लगातार हर चुनाव जीतते आए हैं। साल 2003 में उन्होंने कोटा से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद 2008 में उन्होंने कोटा दक्षिण सीट से कांग्रेस के शांति धारीवाल को हराकर विधानसभा चुनाव जीता था। तीसरी विधानसभा चुनाव में उन्होंने कोटा दक्षिण से 2013 में जीता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ओम बिरला कोटा संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2019 में बिरला फिर से सांसद चुने गए और इस बार भाजपा ने उन्हें स्पीकर बनाकर सबको चौंका दिया। उनके पास भले लंबा संसदीय अनुभव नहीं रहा है, लेकिन लोकसभा को जिस ढंग से उन्होंने चलाया उसकी सभी ने तारीफ की। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के दावेदार बन चुके हैं। बिरला इस बार कोटा संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को चुनाव हराया है। इससे पहले वो 2003 से 2014 तक कोटा नॉर्थ की विधानसभा से लगातार विधायक चुने गए थे।